नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल्याणी गुरुवार को जौलजीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 10:15 में जौलजीबी के निकट जोगियुड़ा हेलीपैड में पहुंचेंगे, जहां से भी कार से जौलजीबी मेला स्थल पहुंचेंगे। मेले का उद्घाटन करने के बाद वे 11:50 में हेलीकॉप्टर से गौचर के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्य स्तरीय टीटी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज तिकतोली की छात्रा सिमरन लोहिया का चयन। दमन एनटीयू के सिलवासा में आगामी 17 नवंबर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की टीटी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए सिमरन कल यानी गुरुवार को रवाना होंगी। सिमरन की इस उपलब्धि पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बीआर कोहली, जिला खेल समन्वयक विक्रम दिगारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप, विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र उप्रेती, ब्लॉक समन्वयक भुवन उप्रेती, खेल प्रशिक्षक भूपेंद्र चौहान, धर्मेंद्र टोलिया सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व क्षेत्रवासियों ने शुभकामनाएं व उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक ने एक शिविर का आयोजन कर 8 महिला स्वयं सहायता समूहों को 12 लाख रुपए के ऋण वितरित किए। इस दौरान बैंक के प्रबंधक पीयूष पंत ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा आदि की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक शाखा प्रबंधक रमेश सिंह मेहरा, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र अवस्थी, लैक मिशन प्रबंधक करण, समन्वयक कमला पांडे, सहायक लेखाकार अरुण चंद, सुनीता देवी, अनीता देवी सहित समूह की महिला सदस्य मौजूद थी। पिथौरागढ़ के जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में आज सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज पांडे की अगुवाई व सचिव कैलाश तुषी के संचालन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विक्रेताओं ने अभी तक उनकी मांगों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के उपरांत विक्रेताओं द्वारा निर्णय लिया गया कि उनके लंबित बिलों के भुगतान व अन्य मांगों को लेकर नवंबर माह के अंत तक सकारात्मक पहल नहीं की गई तो वे आगामी दिसंबर माह से कार्य बहिष्कार के साथ सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण लिए जाने की बात भी कही है। बैठक में गणेश कन्याल, सोबन सिंह, गिरधर सिंह, भागीरथी बिष्ट, ललित मेहर, नवीन पांडे सहित दर्जनों विक्रेता शामिल थे। इसका पूरा वर्ष गुजरने को है, अभी तक हमारे विक्रेताओं को अपनी जेब से पैसा लगाकर भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना फ्री अन्न योजना को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और एक तरफ ये सोया हुआ विभाग, ये सोया हुआ शासन प्रशासन हमारी बातों को बिल्कुल अनसुना कर रहा है। हमारे वहाँ से हम संपूर्ण आज तो यहाँ सिर्फ हमारे गोदाम के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आने वाले समय में 1000 विक्रेता पूरे सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जौलजीबी में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मंजू देवी द्वारा राजी जनजाति के लोगों को नालसा योजना व विधिक सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही सचिव ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण को लेकर संबंधित विभागों से संपर्क कर उचित भरोसा दिलाया। पिथौरागढ़ पुलिस लाइन के निकट के गांवों के लिए मार्ग खोले जाने की मांग को लेकर आज जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को एक ज्ञापन सौंप ग्रामीणों के लिए मार्ग खोले जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन से सटे गांव निराड़ा, चामी, वोटखोला और मैथाना के ग्रामीणों के लिए पूर्व में पुलिस लाइन से आवाजाही के लिए मार्ग बंद कर दिए जाने से ग्रामीणों को जिला अस्पताल आने के लिए भी लगभग 7 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को जिला मुख्यालय आने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि 4 गांवों के साथ ही कुमौर गांव के लोगों ने पुलिस लाइन के लिए अपने गोचर पनघट की जमीन दी थी और आज उन्हें ही आवाजाही से रोक दिया गया है। इस दौरान उन्होंने शीघ्र मार्ग खोले जाने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से वार्ता की और समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की बात कही। देखिए, जिन ग्रामीणों के द्वारा पुलिस लाइन की स्थापना के लिए अपने गौचर की भूमि पुलिस लाइन को दान स्वरूप निस्वार्थ भाव से दी गई थी, बड़ा दुख का विषय है कि अभी 10 साल पहले के लगभग वहाँ एक बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया और ग्रामीणों की आवाजाही रोक दी गई थी। तो हमने आज माननीय मंत्री जी के महोदय के समक्ष ये विषय रखा कि निराड़ा में थाना जी के द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय जी से वार्ता की गई है कि ग्रामीणों की जन समस्या को देखते हुए इस मार्ग को। ये आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहाँ उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो
युवती के कमरे में घुसने पर हुए विवाद में एक युवक के साथ मारपीट कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार 11 नवंबर की देर रात थाना रायपुर को दशमेश विहार में एक युवक के संदिग्ध होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा तो एक युवक सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे निकट के अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ में मौके पर मौजूद लोगों द्वारा युवतियों के कमरे में घुसने का प्रयास करने व शोर मचाने पर भागने और मकान से कूद मारना बताया गया। मृतक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान रोहन जोशी पुत्र केसर जोशी निवासी 8 मिनुष त्यूनी देहरादून उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के भाई अमन जोशी द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा मामले से संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। एसएसपी के आदेशानुसार गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर जानकारी जुटाई तो दो व्यक्ति युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा गवाहों चश्मदीदों तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आज आरोपी प्रवीण सिमलती ग्राम भुतु भिलंग टेहरी गढ़वाल हाल देहरादून और 25 वर्ष व प्रियांशु चौहान निवासी ग्राम उब्रव देहरादून उम्र 19 वर्ष को सिक्यूआई तिराहा रायपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रवीण ने बताया कि वे घटना के दिन अपनी महिला मित्र से मिलने गया था। मृतक रोहन जोशी एक लड़की के कमरे में घुसने का प्रयास कर रहा था। युवतियों के शोर मचाने पर उसने व पड़ोस में रहने वाले प्रियांशु चौहान द्वारा उसके साथ मारपीट की और रोहन जोशी की मौत हो गयी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।